तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आना सागर लेक की तरफ। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि आप अजमेर पुष्कर कैसे आ सकते हैं चीप एंड बेस्ट तरीके से, तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आप जो मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये सारी लेक आना सागर लेक है। ये आपको अजमेर के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक दिख जाएगी। तो गाइज अगर आप आना सागर लेक आते हैं तो यहाँ पे आने की बेस्ट टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी अराउंड 5 to 6, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे सनसेट व्यू ही देखने के लिए आते हैं और 5 to 6 के बीच यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है आपको। मेरे पीछे है आना सागर लेक, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सनसेट पॉइंट है और ये बहुत ही पीसफुल लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा इसमें दुबई का टच मिलता है अगर आप ध्यान से देखें। इस लेक की जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो ये है कि ये पूरी मैनमेड है और इस लेक का निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी के दादाजी ने, मतलब ग्रैंडफादर ने, आना जी चौहान ने करवाया था। और इस जगह को आप यहाँ का मरीन ड्राइव भी कह सकते हो एक तरीके से। तो गाइस अभी हम रूम से बाहर आ चुके हैं, पीछे मेरे फ्रेंड्स खड़े हुए हैं और अभी हम जाएंगे तारागढ़ फोर्ट। सो अजमेर से कुछ 10 से 15 किलोमीटर ही दूर है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी जाएं। और क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उदयपुर वाली वीडियो में, कि पूरे राजस्थान में कर्फ्यू है। अराउंड 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहता है राजस्थान में। सो 7 बजे सब चीज़ ऑफ हो जाती है। तो अगर आपको कुछ भी प्लान कर रहे हो कोई आना जाना, तो आप 7 बजे से पहले पहले आ जाओ, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अभी हम करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट और चलते हैं सफ़र पर। तो गाइस अगर आप राजस्थान में कहीं भी आ रहे हो, मतलब कहीं भी, तो वहाँ की सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट करने की डिश है वो है कड़ी कचौड़ी। मतलब आप राजस्थान में कहीं भी खा लो, उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन। तो अब हमने पेट पूजा कर ली है और अब आपको लेके चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि है तारागढ़ फोर्ट। तो गाइज यहाँ से शुरू होता है तारागढ़ का मेन पहाड़ी रास्ता। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रोड पूरा जंगल एरिया है। तो जैसे जैसे शाम होती रहती है वैसे ये रोड रिस्की और हो जाता है, क्योंकि पूरा जंगल एरिया है और जंगली जानवर भी निकल के आने का चांस रहता है। तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे। और ये रास्ता थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और अगर आप इसको नेविगेशन पे देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। और आप देख ही सकते हैं ये रास्ता काफी ज्यादा स्टीप इंक्लाइन वे में है। और अगर आप इधर अपनी कन्वीनियंस से आ रहे हैं तो मेक श्योर कि उसकी ब्रेकिंग सिस्टम एटलीस्ट अच्छे हों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के लोकल लोग डेली पहाड़ पे अप डाउन पैदल ही करते हैं। यहाँ से आपको गारंटेड अजमेर का बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखने वाला है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं तारागढ़ फोर्ट पे और हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से जो आप व्यू चेक कर सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम अमेजिंग सब है। आपको मैं एक सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ, आप ये देखो। तो गाइस अभी मैं आपको रोड पे खतरों का खिलाड़ी दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड आप देख सकते हो पूरी रोड होने के बावजूद भी ये बंदा कहाँ पे चल रहा है। तो गाइस मेक श्योर कि आप ऐसी हरकतें ना करें। रोड चलने के लिए बनाई है तो रोड पे ही चलें। तो गाइस आखिरकार हम पहुंच गए। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है तारागढ़ फोर्ट। हमने बाकी लोकल लोगों से पूछा, लेकिन जो तारागढ़ फोर्ट एक्चुअली में जैसा पहले दिखता था अब वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंधी तूफान की वजह से काफ़ी सारी वॉल्स टूट के गिर गई थी, जिस वजह से अब सिर्फ नॉर्मल वॉल्स ही रह गई है। तो गाइस तारागढ़ फोर्ट में ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, पर लेकिन नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। तो अगर आप इधर आते हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी एक इमाम हुसैन की दरगाह है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं दरगाह की तरफ, और ये दरगाह बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको देख ही सकते हैं। तो अगर आप तारागढ़ आते हैं तो यहाँ दरगाह पर ज़रूर आइए। तो गाइज़ यहाँ पे भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर के शॉट्स नहीं दिखा पाऊँगा। तो गाइज़ अगर आप अजमेर आ रहे हैं तो ये दो जगह भी आप अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है 2.5 दिन का चोपड़ा एंड सेकंड है अजमेर दरगाह शरीफ। और अजमेर दरगाह शरीफ की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, हर साल यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म आता है। इवन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे हर साल आते हैं। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि आज सेम डे की हमारी बस है, तो इसलिए जल्दी से नीचे जाएंगे। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप लास्ट की दो जगहों पे भी ज़रूर जाएं। मैं यहाँ पे पहले आया हुआ हूँ तो इसलिए मुझे पता है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम दिल्ली डायरेक्ट जा रहे हैं। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी ट्रैवल व्लॉग से रिलेटेड, तो मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। एक्सीटर दे दो भाई, पीछे ना खड़ी हो जाए, तो तीनों मरेंगे पीछे। तो गाइस हमारी लग चुकी है। गाइस अभी आपने देखा ना कैमरा पलटी हो गया था। कैमरा पलटी।